फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ राहुल सोलंकी और आज मैं हूँ बख्तियारपुर रजौली फोर लाइन पे। अभी मैं हूँ पिचासा मोड़ पे। तो पिचासा मोड़ है जो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो जा रही है, अगर आपको डायरेक्ट बरबीघा जाना है, डायरेक्ट अगर आपको बिहार शरीफ बरबीघा जाना है तो देख सकते हैं कि जो उस तरफ गाड़ियां जा रही हैं, ये डायरेक्ट आपको चल जाती है बरबीघा। यहां से बरबीघा जा सकते हैं। और ये जो आपको रोड दिखाई दे रहा है सामने वाली, तो पिचासा से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो इसे बोलते हैं मोड़ा तालाब। मोड़ा तालाब की बात करें तो मोड़ा तालाब के आसपास जितने भी पेड़ थे उसको काट कर हटा दिया गया है, देख सकते हैं। और जितने भी रोड पर बनी हुई दुकानें थी उसको भी हटा दिया गया है, देख सकते हैं। जितने भी दुकानें हैं उसको हटा दिया गया है। और जहाँ पे घनी आबादी है वहाँ पे ब्रिज का निर्माण होना है, तो मोड़ा तालाब के ऊपर भी फ्लाईओवर बनना है। तो मोड़ा तालाब में देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी पेड़े की दुकानें हुआ करती थी वो हट चुकी है। कुछ यहाँ पे मकानें बच रही हैं उनको भी तोड़ा जाएगा। तो देख सकते हैं कि इस तरफ जो मकानें हैं इसको भी टूटना है। यहाँ से लेके आगे तक जितने भी मकानें आपको दिखाई दे रही है, येलो कलर का आपका क्रॉस का निशान है, सभी को टूटना है। तो देख सकते हैं जितने भी क्रॉस का निशान मकान पे दिया हुआ है सभी को टूटना है और नंबर भी दिया हुआ है। अगर मोड़ा तालाब की बात करें तो यहाँ पे कुछ गिट्टी की भरावट हुई है। तो मेरे बाएं तरफ देख सकते हैं कि मोड़ा तालाब में गिट्टी की भरावट हुई है। अगर बात करें मोड़ा तालाब से आगे की, तो मोड़ा तालाब से आगे ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और जहाँ जहाँ पे आपको घनी आबादी है ना, वहाँ पे फ्लाईओवर बनना है, क्योंकि गाड़ियों की स्पीड भी कम नहीं होनी चाहिए। और फ्लाईओवर बन जाने से ये होगा कि जो जहाँ जहाँ पे मार्केट है उनको भी दिक्कत में परेशानी नहीं होगा। और गाड़ियों की रफ्तार जो है वो बनी रहेगी। तो देख सकते हैं कि मोड़ा तालाब से अगर आगे हम बढ़ते हैं तो कोई भी काम नहीं हुआ है। पथासन से आगे बढ़ते हैं तो पता जहाँ जहाँ पे पुलिया का निर्माण होना है वहाँ पे देख सकते हैं कि पुलिया का निर्माण के लिए सभी जगह काम हो रहा है, पुलिया का निर्माण किया जा रहा है। और ये पतासन गांव का एरिया है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि क्रॉसिंग के लिए जो ये येलो कलर का क्रॉसिंग है ये सब मकानों को टूट जाना है। ये पतासन गांव के एरिया में आता है। पतासन गांव की आगे की बात करें तो पतासन गांव में कोई भी काम नहीं हुआ है, सिर्फ पुलिया का निर्माण है
जो पुलिया का निर्माण है जो सभी जगह ये किया जा रहा है। भागन विघा की बात करें तो भागन विघा में भी फ्लाईओवर बनना है। फ्लाईओवर बनने के लिए पिलर का निर्माण हो रहा है, तो देख सकते हैं कि दोनों तरफ कुछ कुछ है जो मिट्टी की भरावट हुई है। देख सकते हैं कि यहाँ पे मिट्टी की भरावट हुई है, और ये आपको जो सरिया दिख रहा है पिलर के लिए बना हुआ ये सरिया है। गिट्टी की भी भरावट हुई है कहीं कहीं पे, और अभी भी भागन विघा में बात करें कि पिलर की, तो भागन विघा में एक भी पिलर अभी तैयार नहीं हुआ है। और यहाँ देख सकते हैं कि काम जोरों से लगा हुआ है। तो देख सकते हैं कि भागन विघा में भी दोनों तरफ से सभी मकानों को तोड़ा जा चुका है, देख सकते हैं। और जहाँ जहाँ भी जनसंख्या है, जहाँ जहाँ भी मार्केट है, वहाँ वहाँ पर फ्लाईओवर बना दिया जाएगा, ताकि देख सकते हैं कि सभी मकानों को तोड़ा जा चुका है, कुछ मिट्टी की भरावट हुई है। और यहाँ से शुरू हो जाती है बेना थाना, सीमा प्रारंभ हो जाती है आपका बेना का। तो बेना थाना से आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरफ एक तरफ तो मिट्टी की भरावट हुई है, और जहाँ जहाँ पे मार्केट है वहाँ पे फ्लाईओवर बना दिया जाएगा, ताकि फ्लाईओवर बन जाने से ये होगा कि मार्केट में भीड़ हो जाती है, और भीड़ के वजह से जाम लग जाता है। तो जाम की समस्या को ख़त्म करने के लिए ही जहाँ जहाँ पे मार्केट है वहाँ पे फ्लाईओवर बना दिया जा रहा है, कि जो इस तरफ भी है जो मिट्टी को काट दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी की भरावट होगी। और जहाँ जहाँ पे पुलिया का निर्माण है होना है, देख सकते हैं कि पुलिया का निर्माण हो चुका है। तो कह सकते हैं कि काम बहुत तेज़ी से लगा हुआ है। पहले जहाँ पे पुल या पुलिया का निर्माण होना है वहाँ पे पुल और पुलिया का निर्माण किया जा रहा है, उसके बाद ही आपका मिट्टी की भरावट होगी। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ये है सीमेंट का गाटर बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बेना से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो देख सकते हैं, इसे कहते हैं रीप्लांट। जितने भी पेड़ हैं, आपको कटी हुई पेड़ दिखाई दे रही है, तो ये रीप्लांट किया गया है। ये पेड़ को जीवित रखने के लिए फिर से इसको लगाया गया है। तो देख सकते हैं जितनी भी पेड़ आपको दिखाई दे रही है तो सड़क के किनारे थी, उसको हटा के दूर में लगाया गया है, इसको बोलते हैं रीप्लांट। तो ताकि पर्यावरण बचा रहे, आप देख सकते हैं पर्यावरण बचाने का एक अनूठा ये तरीका है। जो आपको ट्रैक्टर पर कटा हुआ पेड़ जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पेड़ इस तरह इसलिए ले जाया जा रहा है कि देख सकते हैं इसका जड़ जो है बोरे से, प्लास्टिक का बोरा है जो उससे कवर कर दिया गया है, ताकि ये पेड़ मरे नहीं और इसको रीप्लांट कर दिया जाएगा। कहे कि पर्यावरण को बचाना ज़रूरी है। बात करें इस चौराहे की तो मेरे दाहिने तरफ ये इस तरफ से आप जा सकते हैं, पटना फतुहा नूर सराय होते हुए पटना फतुहा जा सकते हैं। अगर मेरे दाहिने तरफ की बात करें बाजार में भी बहुत
देख सकते हैं हरनौत मार्केट है ये। हरनौत मार्केट में फ्लाई ओवर बनना है, तो हरनौत मार्केट फ्लाई ओवर बनाने के लिए ये देखिए, ये है हरनौत मार्केट। हरनौत मार्केट में है फ्लाई ओवर बनना है, तो यहाँ पे काम शुरू हो चुका है और अभी एक भी पिलर नहीं तैयार हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट में बनने के लिए काम शुरू हो चुका है और नॉर्थ मार्केट में भी लंबा फ्लाईओवर बनाया जाएगा। ये देखिए यहाँ पे जितने भी हरनौत मार्केट है, देख सकते हैं कि सभी दुकानों को हर मकान जोड़ा जा चुका है। ये हरनौत मार्केट है, हरनौत मार्केट का आपका व्यू दिखा रहे हैं। हरनौत मार्केट में देख सकते हैं जहाँ तक आपकी नज़रें जाएगी, देख सकते हैं कि सभी दोनों तरफ का मकानों को तोड़ा जा चुका है और चौड़ाई है जो रोड की चौड़ाई जो बढ़ाई जा चुकी है, क्योंकि यहाँ पे फ्लाई ओवर बनना है। और फ्लाई ओवर अभी भी देख सकते हैं कि हरनौत बाज़ार में जो है रोड पर ही मार्केट लगाते हैं, सब्जी मंडी है जो रोड पर ही लगाते हैं, इस वजह से भी ज़्यादा यहाँ पे जाम रहता है। तो खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे तो फ्लाई ओवर बनने के बाद भी यही हाल रहेगा। अगर हरनौत मार्केट से आगे बढ़ चुके हैं, मार्केट से आगे जब बढ़ते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं रोड कंस्ट्रक्शन में जो मकाने आ रही थी, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे भी मकानों को तोड़ा जा चुका है। देख सकते हैं यहाँ पे मकानों को तोड़ा जा चुका है और हरनौत मार्केट से आगे का ये तो व्यू है, तो देख सकते हैं कि सभी मकानों को तोड़ा जा चुका है। देखिए रीप्लांट इसी को बोलते हैं, रीप्लांट करने के लिए सबसे पहले पेड़ों को काटने से पहले जड़ को उसको बोरे से ढक दिया जाता है, ताकि ये पेड़ है जो देखिए पेड़ तो कटा हुआ है ना, लेकिन ये हरा भरा है, तो हरा भरा है इसलिए पेड़ को जड़ नहीं ख़त्म किया जाएगा, अब मिट्टी भी इसको नहीं गिरेगी। री प्लांट इसी को बोलते हैं कि इसका जड़ को समेत उखाड़ दिया जाएगा और
बख्तियारपुर के नज़दीक ढोवा नदी पर है। यहाँ पे देख सकते हैं कि नापाई का काम चल रहा है। तो ये ढोवा नदी है और यहाँ से शुरू हो जाती है आपका, देखिए यहाँ से आपका ब्रिज का निर्माण शुरू हो जाता है, बना जा चुका है। और ये यहाँ पे पिलर बनना है, तो यहाँ पर पिलर बनाने के लिए देख सकते हैं कि यहाँ पे खुदाई का भी काम चल रहा है। जितना भी दिखाई दे रहा है सीमेंट का गाटर है। और ये पुलिया के देखिए जो पिलर है, ये आपका देखिए यहाँ से शुरू हो जाता है आपका पिलर। देखिए पिलर पे जो ये बांधा हुआ है सरिया आपको दिख रहा है, ये पिलर के लिए है। और ये देखिए एक पिलर यहाँ से शुरू होगी, एक ब्रिज यहाँ पे देख सकते हैं कि गार पिलर बांधा जा चुका है और यहाँ पे भी पिलर बनना है। देख सकते हैं कि यहाँ पे भी पिलर बनना है और यहाँ पे भी देख सकते हैं ढलाई बाकी है। ब्रिज के लिए पिलर सरिया बांधा जा चुका है और सिर्फ इसमें ढलाई करना बाकी है। और ये आप यहाँ का व्यू है जो बख्तियारपुर की तरफ है, बख्तियारपुर जो ढोवा नदी है उसका ये व्यू है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि पिलर के लिए भी काम चल रहा है और ये ढोवा नदी पे ब्रिज बनाया जा रहा है उसका ये पहला। ये यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी तरह का जो भी देखिए कितना सारा यहाँ पे छड़ रखा हुआ है। गाटर आपको दिखाई दे रहा होगा, सीमेंट की गाटर है। तो सीमेंट की गाटर यहाँ पे तैयार हो रही है और यहाँ पे देख सकते हैं कि दो पिलर है जो खड़ा हो चुका है।